डेंगू की बीमारी का खतरा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा ही होता है। ये मौसम के बदलाव होने पर होता है। इस मौसम में कोई भी वायरस हमारे शरीर को जकड़ लेता है और साथ ही इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। सभी को पता है कि ये 4 महीने मौसम के बदलाव के होते हैं। पहले बारिश और फिर होती है सर्दी की शुरुआत। इसी के चलते ज्यादातर लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है। इन सभी परेशानियों के लिए शरीर का बचाव रखना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए एक कवच की तरह काम करता है, जो जाने अनजाने में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। कैसे मजबूत करें इम्यूनिटी? अपने इम्यून सिस्टम को फिट रखने के लिए खूब सारा पानी पिएं, क्योंकि पानी के जरिए ही शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। भोजन ऐसा खाएं जो आसानी से पच जाए। जब खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होता है, तभी वो एनर्जी देता है हमारे शरीर को और इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है। खान पान में हमेशा हरी सब्जियां और ताजे फलों को शामिल करें। नींद पूरी होना शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए समय पर सोएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। इस मौसम में गर्म और ताजा खाना खाएं। बासी खाने को बिल्कुल भी ना खाएं। थोड़ा सा भी फीवर होने पर अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक दवाई ना लें, क्योंकि ये खराब बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। रोजाना ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि शरीर से पसीना निकले। सुबह और शाम योगा भी करें। इस मौसम में तुलसी और अदरक का सेवन जरूर करें। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा पिएं। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। डेंगू जैसी घातक समस्या से बचने के लिए कुछ बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, शरीर को पूरे तरीके से कवर रखें, हमेशा पूरे बाजू के कपड़े पहने। नंबर 2, बच्चों के मामले कोई लापरवाही न बरतें। नंबर 3, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। नंबर 4, घर के कोनों कोनों की साफ सफाई का ध्यान रखें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। नंबर 5, कूलर का यूज करते हैं तो उसमें रखा पानी समय से बदलते रहें। तो ये रही हमारे द्वारा डेंगू से बचाव के लिए एक सामान्य जानकारी। अगर इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।